आज किसे जेल छोड़ने आए हैं? अब मैं इंस्पेक्टर नहीं, सिर्फ ठाकुर बलदेव सिंह। क्यों, खतरों से खेलने का शौक छूट गया ठाकुर साहब? अपनी बहादुरी पर अगर इतना ही घमंड है तो एक काम करोगे मेरे लिए? हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। कितने चाहिए? 5,000। बहादुर हो तो इसकी फिक्र क्यों करते हो? कीमत जो तुम चाहो, काम जो मैं चाहूं। गब्बर सिंह, वो मशहूर डाकू? हाँ वही। सुना है उस पर तो पुलिस ने कुछ इनाम भी रखा है। 50,000, जिंदा या मुर्दा। तुम्हें उस डाकू को मेरे लिए पकड़ना है, जिंदा। गब्बर सिंह को पकड़ना है, वो भी जिंदा? ठाकुर साहब, गब्बर सिंह को बकरी का बच्चा है जो दौड़े और पकड़ लिया। जानता हूं काम मुश्किल है, लेकिन आसान कामों के इतने पैसे नहीं दिए जाते। चलिए माना हमने अपनी जान पर खेल कर किसी तरह गब्बर सिंह को, तुम्हें को मिलेगा, मुझे सिर्फ गब्बर चाहिए। कोई पुरानी दुश्मनी? आपकी नजरों में हम भी तो चोर बदमाश हैं। फिर उस डाकू को पकड़ने के लिए आपने हम दोनों को क्यों चुना? इसलिए कि लोहा लोहे को काटता है। रामलाल, ये 5,000 हैं, दूसरे 5 जब तुम रामगढ़ आओगे, बाकी के काम खत्म होने के बाद। हेड, चलते हैं। टेल, नो। अरे क्या कभी तांगा नहीं देखा पहले? ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बस सवार। हाँ, ये रही ठाकुर साहब की हवेली। यूँ की कमाल हो गया, तुम लोगों की बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला। हाँ, हमें जरा बात करने की आदत ज्यादा है। ये रहा तुम्हारा 1.5 रुपया। यूँ की तुम आदमी अच्छे हो, इसलिए तुमसे पैसा तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? इसलिए हम ये 1.5 रुपया ले लेते हैं। बहुत मेहरबानी आपकी। चल धन्नो सवार। आइए। आइए। काफी बड़ा मकान है। अच्छा है, कौन कौन रहता है यहाँ पर? चाबी, ये आपके रहने की जगह है, किसी चीज की जरूरत हो तो पुकार लीजिएगा। पुकार लेंगे। यार वीरू, चक्कर क्या है कुछ समझ में नहीं आया। हमें क्या लेना है जय? 10,000 ठाकुर ने दे दिए हैं, बाकी आज रात को तिजोरी में झाड़ू मारकर फूट चलेंगे। तिजोरी की चाबी, इसमें मेरे वो गहने जो मेरे लिए बेकार है, मुझे अब कभी इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े बहुत पैसे हैं, वो भी ले जाओ। अच्छा है, बाबूजी की झूठी उम्मीदें तो टूटेंगी जो उन्होंने तुम लोगों से लगा रखी। कल रात जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा।
अरे यूं कि तुम यहाँ कैसे? यूं के यूं ही बोलो, कौन सा आम तोड़ना है? जो मैं आम बोलूं तुम गोली मारकर तोड़ सकते हो? ये हमारे बाएं हाथ का खेल है, बड़े बड़े निशानेबाज हमारे पैर। अरे ये तो तुम्हारा दोस्त भी। हाँ, काफी होशियार है लड़का, अभी मैं सिखा रहा हूँ, जल्दी सीख जाएगा। तुम मुझे भी सिखा सकते हो? हाँ क्यों नहीं, तुम्हें भी सिखा सकता हूँ, तुम्हें तो मैं दो दिन में सिखा सकता हूँ। दो दिन में सिखाओगे? पक पक करने की। तुम्हें पिस्तौल चलाना सीखना है ना, तो इधर आओ आओ आओ। वो आम नजर आ रहा है ना? हाँ, अब पकड़ो पिस्तौल, पकड़ो। और ये हाथ ऐसे 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 यहाँ, और ये उंगली यहाँ। और अब आंखें बंद कर लो। मैंने तो आंख पहले ही बंद कर रखी है। यूं कि ये क्या कह रहे हैं? इसकी तो आदत है बक बक करने की। तुम आंखें बंद करो। बंद की? अब देखो वो आम नजर आ रहा है? यूं कि अजीब बात कही तुमने, आंखें बंद करके आम दिखाई देता है क्या? तुमने क्या दोनों आंखें बंद कर ली? हाँ। दोनों नहीं, बाई आंख, ये आंख बंद करो और दूसरी आंख से निशाना बांधो। अब गोली चला दो। लग गया निशान। यूं कि हम सीख तो रहे थे गोली चलाना, लेकिन अब हमें दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल काला, काली दाल? कि हम गांव वालों का चक्कर लगाकर स्टेशन तक छोड़ कर आ गया। बसंती, मैं तुम्हें पिस्तौल चलाना सिखा रहा था, तुम मुझे गला समझ रही हो? मैं अच्छी तरह समझती हूँ, अच्छी तरह समझती हूँ। अब तुम यहाँ बैठ कर चलाओ पिस्तौल, बसंती चले अपने घर। जय राम जी की। आओ आओ शंकर, क्या लाए हो? मालिक, जवान लाया हूँ। मालिक के बच्चे? हमारे लिए ये आधी मुट्ठी जवार लाया है, और बाकी के अपनी बेटी के बरातियों को खिलाने के लिए रखिए। माई बाप, जितनी थी सब लाया हूँ। जिस दिन एक गोली उतर गई खोपड़ी में, जितना भेजा है सब बाहर निकल आएगा। राम ज़्यादा। क्या लाए हो धोलिया? क्यों है मालिक? ठीक है, रख दो सब माल वहीं पर। चलो आओ ठाकुर, आओ। अभी तक जिंदा हो? हाँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ, कब्बर से कहना तुम इस गांव से एक दाना भी नहीं ले जा सकते। कौन रोकेगा हमें? तुम? हाँ, मैं और मेरे आदमी। ये आदमी? सुनो, देख लो। तो बस तुम्हारे लिए काफी है। काशीराम, सब सामान वापस रखवा दो। सोच लो ठाकुर, गब्बर को पता चला कि इस गांव ने उसके आदमियों को अनाज नहीं दिया तो बहुत खून खराबा हो सकता है। क्यों बेकार में? बट से कह देना रामगढ़ वालों ने पागल कुत्तों के सामने रोटी डालना। और तुम तीन फिर भी वापस आ गए। जो डर गया समझो मर गया।